लिमिट में जहाँ तक हम लोग पढ़े थे उसके आगे कर रहे हैं। लिमिट एक्स टेन टू इन्फिनिटी ए एम एक्स एम ए एम माइनस वन एक्स एम माइनस वन अप टू ए वन एक्स प्लस ए नॉट डिवाइडेड बाय बी एन एक्स एन बी एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन बी वन एक्स बी नॉट। दो पॉलिनोमियल है, न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री m है, डेनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री n है। तो यहाँ तीन कंडीशन है। पहला, अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डेनोमिनेटर तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्लियर। सेकेंड, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डेनोमिनेटर देन लिमिट एग्जिस्ट, और जो हाईएस्ट कोई पावर्स होगा, दोनों बराबर है तो जिसका इसका कोएफिशिएंट होगा पावर्स का उसका रेशियो इसका वैल्यू होगा। एंड थर्ड, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डेनोमिनेटर देन आंसर इज जीरो। क्लियर है, फंडा वही है कि इसके हाईएस्ट ऑर्डर से जो एक्स का जो मैक्सिमम पावर होगा उसी से डिवाइड करना, ये तीनों आंसर तुमको मिलेगा। डज नॉट एग्जिस्ट मतलब इन्फिनिटी दिखेगा। जैसे क्वेश्चन है कि लिमिट एक्स टेन टू इन्फिनिटी लैम्डा एक्स पे पावर न्यू बराबर सेवन एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन डिवाइडेड बाई टू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स क्यूब इज इक्वल टू फाइव, फाइंड लैम्डा एंड म्यू। तो देखो इसका ये फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, यानी ये फाइनाइट तभी हो जाएगा जब ये केस होगा, यानी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो मैक्सिमम डिग्री होगा, जो एक्स का मैक्सिमम पावर होगा, वो दो न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर में बराबर होना चाहिए। सो यहाँ मैक्सिमम पावर ये होगा, इसको क्या होना होगा, न्यू शुड बी इक्वल टू थ्री, क्लियर है। अब आंसर क्या आएगा, जब न्यू थ्री होगा तो आंसर आएगा लैम्डा बाई माइनस इलेवन दिस इक्वल टू फाइव, सो लैम्डा इक्वल टू माइनस फिफ्टी फाइव, क्लियर है। नेक्स्ट, लिमिट x टेन टू इन्फिनिटी एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वेर प्लस इलेवन अंडर रूट प्लस थर्ड रूट ऑफ एक्स फोर प्लस वन डिवाइडेड बाई फिफ्थ रूट ऑफ n टू द पावर सिक्स माइनस सिक्स n टू द पावर फाइव प्लस टू प्लस एट्थ पावर ऑफ एट्थ रूट टू एक्स टू द पावर ट्वेल्व माइनस सेवन एक्स टू द पावर इलेवन माइनस वन जीरो फाइव, ठीक है। अब थोड़ा हाईएस्ट पावर्स को देखा जाए तो यहाँ पर जब इसको देखेंगे तो यहाँ x टू द पावर थ्री बाई टू, यहाँ देखेंगे तो x टू द पावर फाइव बाई सिक्स, यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर क्या आ रहा है, x टू द पावर फोर बाई थ्री, और यहाँ हाईएस्ट पावर आ रहा है x टू द पावर 12 बाई एट। तो 12 बाई एट कितना हो गया, ये कैंसल आउट होकर के
थ्री बाई टू, क्लियर है। सो ये हो गया तुम्हारा पावर 3/2 है, तो x का पावर 1.5, यहाँ भी x का पावर 1.5, यहाँ x का पावर कितना आ गया 6/5 है, 6/5, तो x का पावर कितना आ जाएगा, फिर से देखो यहाँ है 6/5, तो आ गया 1.2, और यहाँ x का आ जाएगा 1.33, तो हाईएस्ट पावर इज दिस वन। सो इन्हीं के कोएफिशिएंट्स का रेशियो, तो यहाँ से आ गया 1 और यहाँ से कितना आया 2^1/8, सो दिस इज योर आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी 1^2^3^n^2 डिवाइडेड बाय n³, तो इसका सम हम जानते हैं, इसका सम क्या होता है n n+1 2n+1 by n³। अब लिमिट लगाएंगे, क्लियर है, और यहाँ डिवाइडेड बाय 6, तो लिमिट लगाओगे तो यहाँ से हाईएस्ट पावर क्या आएगा, एन क्यू का आएगा, जब इसको मिलाएंगे तो कोएफिशिएंट क्या आएगा 2 और नीचे में 6, सो आंसर इज 1/3, क्लियर है। नेक्स्ट इज लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी x+a x+b √-x। सो आफ्टर रैशनलाइजेशन हमको क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, देखो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, तो इन जगह इस जगह पर रैशनलाइज कर लेना पहले और तब सॉल्व करना, तो ऊपर में आएगा x+a x+b − x² और डेनोमिनेटर में आएगा x+a x+b √+x। फर्दर सिंप्लीफाई होगा तो आएगा लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, x² कैंसल आउट क्योंकि x² यहाँ है, यहाँ a+b x+ab − x² डेनोमिनेटर में x+a x+b √+x, तो ये x² कैंसल। नीचे का हाईएस्ट डिग्री कितना है 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ 1 x का पावर, सो यहाँ से आ गया a+b और नीचे में यहाँ से आया 1 और यहाँ से आया 1, दैट इज a+b/2। सो फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन करना क्या है, माइनस एवरेज ऑफ रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इन रूट। तो रूट के अंदर अभी कौन सा पॉलिनोमियल था, रूट के अंदर हम देखें तो यहां x+a और x+b था, इसका क्या क्या रूट आएगा, एक आएगा -a, एक आएगा -b, एवरेज निकालेंगे तो -a+b/2, सो निगेटिव ऑफ द एवरेज, ये मिला एवरेज और आंसर क्या होगा निगेटिव ऑफ द एवरेज, सो निगेटिव ऑफ द एवरेज इज a+b/2 और यही यहां हमें मिल रहा है, क्लियर है। सो नेक्स्ट इज
लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स अंडर रूट माइनस एक्स। आंसर क्या आना चाहिए? निगेटिव एवरेज ऑफ रूट्स। रूट्स इसका क्या क्या मिलने वाला है? इसका रूट्स होगा 0 एंड माइनस टू। एवरेज कितना होगा? निगेटिव और एवरेज, 0 माइनस टू डिवाइडेड बाई टू, सो आंसर इज 1। क्लियर है? जैसे यहाँ लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी क्यूब रूट में माइनस एक्स, तो इसका रूट्स कौन कौन सा आया? माइनस ए माइनस बी माइनस सी, निगेटिव एवरेज माइनस ऑफ माइनस ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री, सो आंसर इज ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री। क्लियर? जैसे एक क्वेश्चन और है, इसको देखें। लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी पावर फोर, ऐसा रखें यहाँ फोर एक्स का पावर फाइव प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एट माइनस एक्स। देखो इसका पावर, देखो x का पावर होगा 5 बाई फोर और यहाँ x का पावर 1, ये हाईएस्ट है, ये मैक्सिमम है, सो आंसर डज नॉट एग्जिस्ट। रीजन वी हैव टू सी द पावर ऑफ x एंड चेक if outer side x has max power then answer tends to minus infinity and vice versa। क्लियर है? यानी अगर इस x का पावर ज्यादा, अगर ये मैक्स तो आंसर माइनस इन्फिनिटी, और अगर ये मैक्स तो आंसर प्लस इन्फिनिटी, और दोनों ही केसेस में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? नेक्स्ट इज लिमिट एक्स टेंड टू माइनस इन्फिनिटी, या पहले इन्फिनिटी ही करें, इन्फिनिटी सिक्स एक्स का पावर म्यू माइनस लैम्डा एक्स का पावर फाइव माइनस इलेवन माइनस एक्स दिस इक्वल टू थ्री, फाइंड न्यू एंड लैम्डा। देखिए ये अगर फाइनाइट आ रहा है तो इसका पावर वन है, तो इसका भी पावर, यहाँ भी एक्स का जो मैक्सिमम पावर आना चाहिए था वो वन आना चाहिए। क्लियर है? वो कब आएगा? जब न्यू हो जाएगा सिक्स। ठीक है? और आंसर देखो क्या आता था, आंसर आता था निगेटिव ऑफ, मतलब एवरेज, निगेटिव एवरेज ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट क्या मिलेगा? ये वाला। सो यहाँ से आ जाएगा, ये निगेटिव रहेगा ही, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये लैम्डा बाई सिक्स दिस इक्वल टू थ्री, सो लैम्डा इक्वल टू माइनस 18। क्लियर?
क्लियर है? नाउ नेक्स्ट वन इज लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अंडर रूट माइनस एक्स माइनस क्यूब रूट में 5x क्यूब 7x स्क्वायर माइनस 6 माइनस एक्स। क्लियर है? तो क्या करना है, निगेटिव एवरेज ऑफ रूट्स ऑफ पॉलीनोमियल्स। तो पहले वाले का हम देखें तो माइनस कर दो, सम ऑफ रूट कितना है, माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज मिल गया नेगेटिव एवरेज। दूसरे का सम ऑफ रूट करो, माइनस 7 डिवाइडेड बाई 5, माइनस दिस बाई दिस, है ना। और इस पूरे का आगे में तो माइनस रहना ही है क्योंकि एवरेज का माइनस करना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा वही आंसर। क्लियर? नाउ सिक्स्थ हम लोग पढ़ेंगे कि बाइनोमियल का यूज करके, बाइनोमियल एक्सपेंशन का हम किस तरह से रूट निकालेंगे। सिक्स्थ हम लोग पढ़ रहे हैं लिमिट निकालेंगे यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये है 1 प्लस एक्स टू द पावर n, तो ये एन सी 0, एन सी 1, एन सी 2, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ x, अप टू एन सी एन एक्स का पावर n, n इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। लेकिन अगर हम इसको, इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 एन एक्स एन एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, और ये अप टू इन्फिनिटी जाएगा, ये रहे और n एलिमेंट ऑफ एनी इंडेक्स है। यहां हम केवल नेचुरल नंबर के लिए किए थे, यहां एनी इंडेक्स। क्लियर है? इसको हम लोग यूज करेंगे। क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स ए बी पावर हाफ माइनस एक्स। सो लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, हम यहाँ से एक्स कॉमन ले लिए तो बचा 1 प्लस ए प्लस बी बाई एक्स प्लस ए बी बाई एक्स स्क्वायर पावर हाफ माइनस 1 ऐसा। ठीक है? अब इसको बाइनोमियली एक्सपेंड अगर हम करें, इस पूरे को हम ले लें से एक्स और ये है मेरा एन, तो हमारा टर्म्स जो आएगा, पहला टर्म आएगा 1 मिलेगा, दूसरा एन एक्स दैट इज हाफ ए प्लस बी बाई एक्स प्लस ए बी बाई एक्स स्क्वायर, और इसके आगे का टर्म हमको नहीं देखना है, बहुत बड़ा है तो ऐसे बढ़ेगा और यहाँ माइनस 1। क्लियर? सो ये कैंसिल होगा 1 और माइनस 1, और ये एक्स आके मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा हाफ ए प्लस बी पहला, दूसरा ए बी बाई एक्स स्क्वायर, और इसके आगे और नीचे एक्स स्क्वायर ही आता रहेगा, एक्स क्यूब मतलब उस तरह से बढ़ेगा,
लिमिट, हमने लगाया लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी, x टेन टू इन्फिनिटी, सॉरी, ये सब कहाँ जाएगा, ये सब आगे वाला सब जीरो, सो आंसर इज a प्लस बी बाई टू। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन भी यूज़ कर सकते हैं इन जगहों पर। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में हम लोग एल हॉस्पिटल पढ़ेंगे और लिमिट निकालने का और अदर मेथड्स। थैंक यू।